नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित, और आज हम बात करेंगे डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा से कि कैसे वो दिल्ली में इस कोरोना काल में अपना रोल अदा कर रहे हैं, और कोरोना की वजह से जो त्रासदी पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर छाई हुई है, इस बीच ये अपना रोल कैसे निभा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सिरसा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शमरेश जी, जी सिरसा जी, आप डीएसजीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर कैसे कोरोना काल में मदद कर रहे हैं? शर्मित जी, ये कोरोना तो एक वायरस है, ये बीमारी जो एक महामारी का रूप धारण किया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप भी नोटिस ले रहे हो तो इसने भूखमरी का रूप भी धारण करना शुरू कर लिया है। लगातार जो आपने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने बहुत देर पहले, जब ये अभी लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्वीट करके ये कहा था कि दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में बहुत बड़ी अव्यवस्था फैलने वाली है, और इतनी बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी कि किसी के भी कंट्रोल से वो बाहर हो जाएगी। तो ये जो लोग हैं, इनके खातों में पैसे डाले जाएं। और अब 15 दिन बाद वही काम करना पड़ा, लेकिन ये बहुत लेट हुआ है। अब क्या है कि लोगों के पास यहाँ पे ऐसे मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं, ऐसे लाखों मजदूरों की गिनती है यहाँ पे, जो बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, राजस्थान से, हरियाणा, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आप इनके पास खाने की व्यवस्था है ना ही, को खाना को खरीदने की व्यवस्था है। आपने कल भी शमित जी देखा हो किस तरीके से हजारों लोग कश्मीरी गेट में आईएसबीटी की तरफ पलायन करने लगे। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लगातार लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है। हमारे जो गुरुद्वारा साहिब हैं, वो बंगला साहिब, शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा नानक देव साहिब और गुरुद्वारा मोती बाग साहिब, इन गुरुद्वारों के अलावा अब हमने वेस्ट दिल्ली में अपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज डे वन से हमने अपनी किचन वहां सेटअप की थी वेस्ट दिल्ली के लिए। तो इसी तरह हर इलाके को केटर करने के लिए, बहुत बड़े एरिया को केटर करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी अलग अलग सभी किचन जो हैं लंगर की चालू कर रखी हैं। आज अगर हम बात करें तो आज की डेट में अब 1,65,000 लोगों को एक वक्त में आज खाना गया है, 1,65,000 लोगों को एक वक्त में। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर कोई भी इतनी बड़े स्तर पर कोई संस्था काम कर रही हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये गुरुद्वारा कमेटी के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा जो सिंह सभाएं हैं हमारे गुरुद्वारे के, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूथ एसोसिएशंस हैं, वो अलग से काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने जहां इस भूखमरी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया, उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे घर हैं, मान लीजिए कोई प्यून की नौकरी करता था, कोई ड्राइवर की नौकरी करता है, कोई ऑटो चलाता है, और उनके पास घर है, झुग्गी है, क्वार्टर है, लेकिन अब खाने के लिए रसद नहीं है, तो बच्चे भी हैं घर पे, तो उनके लिए हमने हजारों लोगों को रसद के पैकेट भिजवाने का काम किया, पैक्ड फूड, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, तेल, मिर्च, नमक, जो भी एक पैकेट बनाकर, पैक बनाकर, ऐसा भी हमने हजारों लोगों तक ये किट्स जो है वो भिजवाई। इसके साथ जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं, हमें आज से 15 दिन पहले आरएमएल ने सबसे पहले लिखकर कहा कि हमारे डॉक्टर्स को लोगों ने घरों से निकाल दिया है, हमारी नर्सेस को घरों से निकाल दिया है, और हमें आप देने को, उनको आशियाना देने के लिए अपनी कोई जगह दें। तो उसके बाद फॉलोड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डन, तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन जिन ने हमसे संपर्क किया, हमने अपने जो गेस्ट हाउस हैं, सराज जिनको हम कहते हैं, वो सारे भी उनको हैंड ओवर किए हैं, और वहां पे डॉक्टर, नर्सेस रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ उनका हम इंतजाम करते हैं। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपनी तरफ से जितना भी एक हमारी कमेटी के एम्प्लॉयज वॉरियर की तरह काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, चाहे लंगर बनाने का काम हो, चाहे लंगर पहुंचाने का काम हो, ये सारा काम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। जी सिरसा जी, इस लंगर को तैयार किए जाने के दौरान, या फिर जो भी संगत जो है, या फिर डीएसजीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो सेवा में लगे हुए हैं, क्या वो भी कोरोना से जुड़ी हुई, इससे बचने को लेकर जो बातें हैं उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल शर्मित जी, एक तो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी संगत या नहीं आ रही, सब लोग जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो, या कुछ लोग जो परमानेंटली यहाँ रह रहे हैं काफी दिनों से, वो लोग सेवा कर रहे हैं।
हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करते हैं, हमारे उनके साथ कोई बाहर के लोगों का वास्ता ना रहे इसके लिए नातों को बाहर से अंदर आने देते हैं, और जो हमारा खाना भी जाता है वो हम डिलीवर करते हैं, हम कोई वहां पे जाके खुद उनको बांटते नहीं है। हम दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, अलग अलग और बहुत सारी एनजीओ हमारे साथ काम कर रही हैं जो हमसे लंगर लेके जाती हैं। हमसे जो भी लंगर मांगता है, कोई 2000 का ले जा रहा है, कोई 5000 का ला रहा है, कोई 1000 का लगा रहा है, क्योंकि हमने भी ये सोचा जितने लोग इसको बांटने का काम कर रहे हैं हमारे वो बाजू बन रहे हैं, हमें वो ही सूट करता है, हम लोग जाके बांटे, बनाए भी, बांटे भी, पहुंचाए भी, ये हमारे लिए एक बहुत मैराथन टास्क हो जाएगी। और इतने कम जो संसाधन है इस वक्त, क्योंकि मैन पावर हम बहुत कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए हमने अपना उनसे फासला रखा हुआ है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे रखा है, हमारा केवल और केवल कुकिंग का काम है, बनाने का काम जो है हमने अपने पास रखा है। जी अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि ये समय ऐसा है जब हम सबको मिलकर लड़ाई जो है इसको लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना ऐसी एक स्टेज लेकर आया है कि जहां पर हम किसी की खिलाफत नहीं कर सकते, हम सबको एक होना होगा। हाँ, अच्छी बात है, उनकी ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो खिलाफत तो रोज करते भी हैं और कहते हैं हम कर नहीं सकते। अब ये बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कर नहीं सकते, ये वाली बात तो मुझे उनकी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं देखा कि पिछले लंबे समय से उनके जो बयानबाजी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो इस तरह के बयान है कि सरकार को निकम्मा दिखाया जाए, सरकार को निठल्ला दिखाया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती। देखो आज शमरित जी, हम लोगों को नहीं पता आगे क्या होगा, ये महामारी क्या है, आज से पहले दुनिया में ऐसी महामारी इसलिए नहीं आई क्योंकि जो भी ऐसी महामारी आई वो एक एरिया स्पेसिफिक रही, और अब यहाँ पे साइंस फेल हो गई, उसके बाद भगवान का नाम रह जाता है। आप देखो अब साइंस फेल हो चुकी है, साइंस के बस में कुछ नहीं है, बस अब साइंस भी ये कहती है परमात्मा की तरफ देखो, परमात्मा ही हमें अब बचा सकता है। अब पता नहीं कल कैसा रंग होने वाला है, कौन बचेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये देश के लोग सलामत रहेंगे तो ही तो देश के लोग राजनीति वाले राजनीति करेंगे, अगर देश के लोग सलामत ही नहीं रहेंगे तो हम राजनीति किसके लिए करेंगे। तो ये जो हमारा एक समय है, इस वक्त हम सब लोगों को एक बात सोचनी चाहिए, पता नहीं किस पे कौन सा वक्त आने वाला है, पता नहीं कौन कैसे चले जाने वाला है। मैं शमी जी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नजदीकी दो जानने वाले मैंने पिछले 3-4 दिन में खोए हैं, हमारे बहुत ही बड़े गुरु गुरुद्वारा मंगला साहिब के एक अति श्रद्धालु प्रिय थे और गैर सिख परिवार से वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी भावना इतनी ज्यादा थी कि हमें वो सिख ही दिखते थे। उनका पिछले दिनों में निधन हो गया कोरोना वायरस के चलते। अब कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान को कुछ दिन पहले मैं मिलकर आया हूँ, इसी तरह हमारे एक और चड्डा साहब थे सरदार जसबीर सिंह, उनका कल निधन हो गया। हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को जाते देखा है, हमारे पूजनीय बहुत ही सत्कारित हस्ती थी, आपने भी देखा, ज्ञानी निर्मल सिंह जी, जो इतनी बड़ी कीर्तन की परमात्मा के साथ जोड़ने की धुनी जो उनके पास थी, जो परमात्मा के चरणों के साथ आपको जोड़ देती है, उनका संस्कार कैसे हुआ हम सब ने वो भी देखा। ये एक ऐसा समय है, पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज ये वक्त नहीं है, पता नहीं भगवान किस रंग में राजी है, उस परमात्मा के रंगों का तो पता ही नहीं है, वो क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है और क्या करना चाहता है, उसके रंग वही जानता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो ऐसा सोचते हैं नहीं राजनीति करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, पर करें भी ना, इस पे थोड़ा सा वो ध्यान जरूर दें। जी सिरसा जी, आप पूर्व MLA रजौरी गार्डन के रहे हैं, तो आप एक नेता के तौर पर, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने आसपास के इलाके में क्या देख रहे हैं, तालमेल की बात हो रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें क्या जो है तालमेल के साथ इस पूरी जो ये एक महामारी फैल गई है इससे मुकाबला कर रही हैं, क्या लगता है आप? देखिए मुझे काफी हद तक, अगर मैं पिछले सालों की बात करूं उसके मुकाबले में, तो काफी हद तक मुझे तालमेल दिख रहा है। अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी जो दिल्ली सरकार है उनके जो सारे कर्मचारी हैं हमारा सहयोग करते हैं या हमसे सीधा बात में रहते हैं, और हमें लगता है कि उनका जो भावना है वो इस वक्त सेवा के प्रति है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं खुद कह रहूंगा कि ये राजनीति की बात करने का समय नहीं है, पर मैं एक मेरा सुझाव समझ लीजिए या इसको मैं जो देख रहा हूँ जो लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को आपके माध्यम से एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर
सब लोग उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो उनकी तड़प, उनको प्रति भी हर आदमी चिंतित है। लेकिन इस वक्त बजाय टेलीविजनों के एड देने के करोड़ों रुपया हम टीवी पे खर्च करें, क्योंकि जब हम टीवी पे बोलते हैं कि हमने 10 लाख लोगों को रोटी दी, तो आप एक शमी जी, मेरी भावना को बड़े ध्यान से बारीकी से अलवाजों में समझना। एक नेशनल चैनल पे आप बोल रहे हैं कि हमने 10 लाख लोगों को घरों से, आप चिंता मत करो, आपको अशियाने में रखा जाएगा, पर हम जिनसे बात करते हैं उनके पास तो टीवी नहीं है बेचारों के पास, वो तो सड़क पे बैठे हुए हैं, वो तो फ्लाईओवर के नीचे लेटे हुए हैं, तो उनको हमारे टीवी पे बोलने का क्या असर हुआ? तो उनके पास तो कोई हमारी बात गई नहीं किसी तरीके से भी। तो मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं भी उनसे बात नहीं कर सकता। तो हमने 200-300 करोड़ रुपया बजाय हम इन चीजों पे खर्चे, मुझे लगता है कि वो हमें जमीन पर पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि उन लोगों तक हम अच्छी राहत पहुंचा सके। ये मेरा एक सुझाव है, जो कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में ना रहते हुए सिर्फ अपने सुझाव के रूप में आज कहना चाहता हूं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजिंदर सिरसा जी हमारे साथ बात करने के लिए, और किस तरीके से DSGMC अपना रोल अदा कर रही है, कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रही है। जी जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, आपका ये टीवी चैनल बहुत वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन सब लोगों का शीश नवा के उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस दुख के समय में हमारा साथ दिया। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन लोगों ने रसद के रूप में, माया के रूप में हमारे तक पहुंचाई है। ये एक ऐसा समय था जो हमें पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि गुरुद्वारे की जो आमदन होती है या गुरुद्वारे में जो चढ़ावा चढ़ता है या उसके पास जो पैसा आता है, वो केवल और केवल लोगों के मत्था टेकने के रूप में आता है, वरना बिल्डिंग के किराए पर नहीं चढ़ी होती कोई। और हमारे में कोई ऐसा कंसेप्ट भी नहीं कि हम FDIs बना बना के रखें। जो संगत पैसा देती है वो संगत लोगों के भले के लिए देती है, ना कि बैंकों में रखने के लिए देती है। तो कभी किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि गुरुद्वारे भी बंद हो सकते हैं, कि कोई आएगा ही नहीं गुरुद्वारों में। तो ऐसे वक्त में हमारी गुरुद्वारा कमेटी का, हमारे पास कुछ नहीं होता सिवाय गुरुद्वारे के गोरख, तो कुछ पैसा भी नहीं था, रसद भी, और संगत ने इतना बड़ा सहयोग दिया, और सिख परिवारों ने, गैर हिंदू परिवारों ने, गैर सिख परिवारों ने इतना बड़ा सहयोग दिया। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे एम्प्लॉयज उनका धन्यवाद करते हैं सबका, और उनके लिए हम रोज अरदास करते हैं। जो आपने गुरु घर में अपनी भावना से डाला है, परमात्मा आपके घर में बहुत खुशियां दे, आपके दुखों का निवारण करे, और आप इसी तरह और आपको प्रफुल्लित करे कि आप समाज की और सेवा कर सको। बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से आपकी संस्था DSGMC जो है, कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रही है, ये तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया हमारे साथ। सत श्री अकाल जी, भाई जी, खालसा, भाई जी, फतेह, सभी जी।